प्रिय मित्र नमस्कार। पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के माध्यम से कैसे हम आरटी को चेक करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितना परसेंट एनडीई है या कितना परसेंट आरटी है या कितना परसेंट एनडीटी टेस्ट है। उसी के हिसाब से हमें अपनी क्वालिटी को बढ़ाना होता है। वैसे तो पाइप फिटर को हर एक जॉब, हर एक ज्वाइंट पूरी क्वालिटी के साथ करनी होती है, लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यह जानना भी जरूरी होता है कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में किस लाइन में, कौन से ब्रांच में कितना परसेंट एनडीई है, कितना परसेंट इसका आरटी है। कि कहीं इंटरव्यू में कोई भी क्लाइंट पूछ सकते हैं कि इस आइसोमेट्रिक में कितना परसेंट आरटी है या कितनी इसकी क्वालिटी है। तो जब आप जाने रहेंगे तभी आप विस्तृत तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में किस लाइन में कितना प्रतिशत आरटी है या कितना प्रतिशत इसका एनडीई टेस्ट है। प्रिय मित्र, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट अवश्य दें ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार का छोटे छोटे कार्यक्रम लेके आता रहूं। यह छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं पूर्ण रूप से आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कवर करना चाहता हूं ताकि एक नए पाइप फिटर जो हैं वह इसको अपना कैरियर बना करके इस फील्ड में सफलता हासिल कर सकें। तो मित्र, चलते हैं कार्यक्रम की तरफ। एनडीटी टेस्ट होता है जिसको एनडीई भी कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं जैसे आरटी, यूटी, पीटी, एमटी, इस प्रकार से 7-8 टेस्ट होते हैं जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में लिखा जाता है नीचे कि इस लाइन के इस ब्रांच में इतना प्रतिशत आरटी है या इतना प्रतिशत पीटी है या इतना प्रतिशत एमटी है। यदि ये कुछ भी नहीं लिखा होता है, सिर्फ एनडीई करके लिख दिया जाता है, तो आप समझें कि इसमें इतना प्रतिशत आरटी है। क्योंकि एनडीई ये एक टेक्निक है पाइप के ज्वाइंट को चेक करने की, पाइप के क्वालिटी को चेक करने की। ये जो टेस्ट होते हैं उसको यह दर्शाता है। तो उसमें कितना प्रतिशत किसका है, यह चीज़ें जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के नीचे में दिया जाता है। कहीं किसी किसी ड्राइंग में एनडीई लिखा जाता है, किसी किसी ड्राइंग में एनडीटी लिखा जाता है या किसी किसी ड्राइंग में एनडीआई भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे डायरेक्ट आरटी लिख दिया जाता है कि इस लाइन में इतना प्रतिशत आरटी है, इस लाइन में इतना प्रतिशत यूटी है, इस लाइन में इतना प्रतिशत पीटी है। तो ये जो कुछ भी लिखा जाता है यह आइसोमेट्रिक ड्राइंग के नीचे एक कॉलम में दिया जाता है जहाँ पे उसकी पूरी क्राइटेरिया दी गई होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक ही ड्राइंग में, एक ही लाइन में, एक ही आइसोमेट्रिक में अलग अलग टेस्ट दिए जाते हैं। जैसे किसी ड्राइंग में 20% लिखा रहता है, किसी ड्राइंग में 5% लिखा रहता है, किसी ड्राइंग में 100% लिखा रहता है। जहाँ पर जिस लाइन की जो क्वालिटी होती है उसके अनुसार उसमें वह दर्शाया जाता है कि इस लाइन में या इस लाइन के इस ब्रांच में कितना प्रतिशत आरटी है। उस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के तरफ चलते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के तरफ चलने से पहले आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि यह जो कार्यक्रम होता है प्रत्येक शुक्रवार को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को जरूर चैनल पर उपस्थित रहें और अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। तो आइए हम चलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग की तरफ और वहाँ पे देखते हैं। आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ठीक से देखिए। जैसे आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देख रहे हैं तो यहाँ पर या जितने भी आपको ये सब ज्वाइंट दिखाई दे रहे हैं तो उसमें कितना प्रतिशत आरटी होगा या एमटी होगा या पीटी होगा, इसको हम कैसे जानते हैं और ये कहाँ पे लिखा होता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ये नीचे में ये जो क्राइटेरिया दिया होता है इसी में ये लिखा होता है। जैसे आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सीधा सीधा आरटी करके लिखा हुआ, आरटी और ये परसेंट लिख दिया है। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि फील्ड में कितना प्रतिशत आरटी होगा और साप में कितना प्रतिशत आरटी होगा, यानी कि जब ये फैब्रिकेशन होगा तो उसमें ये दिखा रहा है 10% आरटी होगा और जब ये फील्ड में इरेक्शन होगा तो ये 100% आरटी होगा। यानी कि जो इसमें आप जो ज्वाइंट देख रहे हैं
इसमें जो ज्वाइंट देख रहे हैं, जैसे ये फील्ड ज्वाइंट है और ये साफ ज्वाइंट है, तो इसी प्रकार जो साफ ज्वाइंट है ये पूरे साफ ज्वाइंट में से 10 ज्वाइंट आरटी होगा और फील्ड का सारे ज्वाइंट जो है आरटी होंगे, यानी कि यह जाब जो है 100% क्वालिटी वाली जाब है। इसी प्रकार से हम इसको समझते हैं। अब हम दूसरे ड्राइंग को देखते हैं। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देखिए और इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इसके नीचे में ये पूरी क्राइटेरिया दी होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर NDE लिख करके लिखा हुआ है, NDE इतना प्रतिशत। यदि यहाँ पर NDT लिखा हो, NDE लिखा हो या NDI लिखा हो, तो आप यह समझें कि इसमें इतना प्रतिशत जो है इसकी टेस्टिंग है। और ये टेस्टिंग अगर यहाँ पे साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझ लें कि यह RT ही होगी। RT को हम रेडियोग्राफी टेस्ट कहते हैं, सिर्फ वही टेस्ट होगा। यदि कहीं पे लिखा है कि PT है या MT है या RT है, तो उसके अनुसार उतना प्रतिशत जो है MT, PT, RT होता है। जैसे हम दूसरे ड्राइंग में उसको समझेंगे, तो यहाँ पे आप समझें कि यहाँ पर NDE जो लिखा गया है, यहाँ पे एक लाइन की 5% दिखा रहा है और दूसरे लाइन को 20% दिखा रहा है। अब इसी के अनुसार हम समझते हैं कि ये लाइन जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पर देखें, ये जो 1.5 इंच की लाइन है यह जो है 5% है और दूसरी लाइन जो है वो भी 1.5 इंच की है, तो वो 20% में दिखा रहा है, जैसा कि आपने वहाँ पे देखा। कैसे हम जाने कि इसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सा ज्वाइंट जो है 5% है और कौन सा ज्वाइंट जो है 20% है? तो इसके लिए हम यहाँ पर जो लाइन का क्लास लिखा होता है इसको हम देखते हैं कि यह जो लाइन का क्लास लिखा है ये दोनों, तो वो उसी को हम देखते हैं। यह कहाँ पे लिखा रहता है, यह बिल ऑफ मटेरियल में जो लाइन का क्लास लिखा रहता है वहाँ पे हम देख लेते हैं और उसी के अनुसार हम जानते हैं कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सा लाइन या कौन सा ब्रांच या किधर से 20% होगा या किधर से किधर 5% होगा। तो ये चीज़ें कहाँ पे लिखी होती हैं, यह जो है बिल ऑफ मटेरियल। आप जैसे यहाँ पर आप ये मटेरियल क्लास देख रहे हैं, तो इसी के नीचे में यह जो 1.5 इंच की लाइन जो लिखी गई है, यहाँ पे ये जो 1.5 इंच का जो पाइप लिखा गया पाइप साइज, इसी के आगे ये जो क्लास दिया गया है, तो इसी के अनुसार हम जानते हैं कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इस लाइन में कहाँ से कहाँ तक 5% है और कहाँ से कहाँ 20% है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी ड्राइंग में RT भी लिखा रहता है और MT भी लिखा रहता है या PT भी लिखा रहता है। जैसे आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखें तो यहाँ पर NDE करके लिखा गया है और ये प्रतिशत बना दिया गया है कि इतना प्रतिशत ये होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं RT 5% है और MT भी 5% है, तो इसमें MT और RT दोनों होगा। इसी प्रकार से जिस लाइन में PT रहता है या अन्य किसी प्रकार का जो 7-8 टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। RT रेडियोग्राफी टेस्ट होता है, MT मैग्नेटिक टेस्ट होता है जो लाइन को किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि किसी ड्राइंग में इस प्रकार से भी लिखा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं किसी ड्राइंग में जहाँ पर कोई भी RT, UT, MT, PT या NDT टेस्ट नहीं होता है, उसमें कहाँ पर क्या लिखा रहता है। जैसे आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देख रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी NDE टेस्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे जानते हैं। तो आप यहाँ पे फिर क्राइटेरिया वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यह जो NDE लिखा गया है इसके नीचे ना तो कोई प्रतिशत बनाया गया है और ना ही कोई प्रतिशत दिया गया है कि 5%, 20% या किसी प्रकार का MT, PT, UT करके कुछ भी नहीं लिखा गया है, खाली स्थान को डैश कर दिया गया है। किसी ड्राइंग में N भी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में RT नहीं होगा, NDE टेस्ट नहीं होगा, सीधा सीधा जो है ये फिटअप करके ये आया हुआ है। अगर यह ड्राइंग वर्कशॉप की होती तो वर्कशॉप का साफ ड्राइंग होती तो साफ में इसका जितना प्रतिशत RT दिखाया जाता है यहाँ पर लिखा जाता। लेकिन यह फील्ड की ड्राइंग है, फील्ड की आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, सीधा इसको खाली छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि RT, UT, MT, PT कहाँ पर लिखा होता है और इसको कैसे हम जानते हैं। हमने बात किया कि NDE टेस्ट क्या है, जैसे NDE, NDT या NDI
को एक ही कहते हैं या किस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सा टेस्ट होने वाला है, इसके विषय में हमने जाना। प्रिय मित्र, आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप अपने कमेंट जरूर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और इस प्रकार के कार्यक्रम आपके सामने लेकर के हमेशा उपस्थित रहूं। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।